राजद के प्रदेश कार्यालय में आज सब कुछ है, शुभ शुभ बात होती है, चूड़ा है, तिलकुट है और जल्द ही पार्टी का गठन होना है। प्रदेश कमेटी नहीं है, सब लोग दावा पेश कर रहे हैं और भी अपने तरफ से दावा पेश कर रहे हैं। हमको तो हटाया गया नहीं है जी। जिनके पास पद होता है वही आके आपके आगे पीछे होते हैं। राजद के प्रदेश कार्यालय में आज सब कुछ है, पार्टी के पूर्व पदाधिकारी हैं, मकर संक्रांति के अवसर पर दही है, चूड़ा है, तिलकुट है, अगर कुछ नहीं है तो पिछले 1.5 महीने से प्रदेश कमेटी नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो पार्टी नेताओं के बीच एक राय नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो पार्टी नेताओं के दिल मिले हुए नहीं हैं। यही वजह है कि प्रदेश कमेटी आज भंग की स्थिति में है और ये संभवतः पहला अवसर होगा जब सत्ताधारी दल का प्रदेश की प्रदेश कमेटी पिछले 1 से ज़्यादा महीने से भंग रहे और अब तक कोई अनिर्णय की स्थिति रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह जी। तो अभय जी से सीधी बात करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि प्रदेश कमेटी का गठन नहीं हुआ है। बहुत लंबे समय के बाद आज राजद के प्रदेश कार्यालय में हम लोग गहमा गहमी देख पा रहे हैं, आप भी महसूस किए होंगे बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहता था, आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आपको बधाई देते हैं जी। और हम लोगों को पार्टी, चूँकि मकर संक्रांति के दिन शुभ शुभ बात होती है जी, हम लोग के पार्टी का लगभग 1.5 महीने से पार्टी भंग है और जल्द ही पार्टी का गठन होना है। गठन अभी जो देख रहे हैं कि पार्टी में जो कह रहे हैं कि पार्टी में बहुत सा मत भिन्नता है जी, सब लोग दावा पेश कर रहे हैं, अस्वाभाविक है कि हर कोई को इच्छा होती है कि लोकतंत्र का यही खूबसूरती है कि लोग अपने बात करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो सब लोग अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं अपने अपने स्टाइल में। मगर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव दोनों कोई मकर संक्रांति के दिन आज या कल लोग बैठें और बैठ करके पार्टी का झारखंड में गठन करेंगे। तो आप भी अपनी तरफ से दावा पेश कर रहे हैं क्या? आप भी अपने तरफ से दावा पेश कर रहे हैं? क्योंकि मेरा दावा पेश करना माने हम तो चूंकि है ही थे ही, अब हम थे ही है, हमको तो कोई कारण भी नहीं बताया गया कि किस कारण पार्टी भंग हुई। अभी तो पार्टी भंग हुई है जी। हमको तो हटाया गया नहीं है जी। पार्टी भंग हुई है तो नया अभय जी आप भी देखे होंगे कि राजद में ये जो टूट फूट की बात है वो सत ही नहीं है, बहुत हद तक हकीकत होती है। देखिए आज इतना अच्छा शुभ दिन है, इतना अच्छा उपलक्ष्य है, दही चूड़ा के लिए सभी को निमंत्रण दिया गया है। अब देखिए कमोबेश हमको लगता है उसमें से 2-4% ही आपके पार्टी पदाधिकारी जो पुराने चेहरे आए हैं, इससे साफ है कि जिनको जिनके पास पद होता है वही आके आपके आगे पीछे होते हैं, जिनके पास पद नहीं उनका पार्टी से कोई सरोकार नहीं रह जाता है। ऐसी बात नहीं है, आज मकर संक्रांति के दिन है, आप परिवार के कितने लोग परिवार के बीच भी मना रहे हैं, तो ये जो आपका कहना है कि लोग पार्टी के चंद लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, अरे एक माहौल तो शुरू हुआ ना, जो सुनसान था पार्टी की कार्यालय, तो एक माहौल शुरुआत के दिन से शुरुआत हुआ है। और मेरा मानना है कि जैसे ही गठन हो जाएगा तो पुनः जिस तरह पार्टी में चहल पहल थी, पार्टी कार्यालय में चहल पहल थी, वो पुनः चहल पहल आएगी और सब लोग नए जोश के साथ पार्टी में नए लोगों को जगह मिलेगी, नए लोग नए तरीके से काम करेंगे,
नए तेवर क्लेवर के साथ काम करेंगे। सबका इच्छा एक ही है जी, कि पार्टी संगठन को मजबूत करना है और 2024 में राष्ट्रीय जनता दल नए को नए पहचान बनाना है। हमारे साथ पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मनोज साहब भी मौजूद हैं। मनोज जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि पार्टी के जो तमाम जो बड़े लोग हैं, जो नामचीन लोग हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर शायद ही कभी आ पाते हैं। अभी चूंकि पार्टी कमेटी भंग है तो लिहाजा ये कहना मुनासिब भी नहीं है, लेकिन जब पार्टी कमेटी अस्तित्व में होती है तब भी पार्टी बहुत ज्यादा बिखरा हुआ नजर आता है, उसमें एकता और मजबूती नहीं होती है। यही वजह है कि आप सत्ता में होते हुए भी सत्ता से किनारे कर दिया जाता है। ना, ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी नेता एवं कार्यकर्ता हैं, सबका एक मकसद है कि राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ मजबूत करना है। एक पटल पर जैसे ही यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, आप देखेंगे कि पूर्व की भांति एक पटल पे आकर के और राष्ट्रीय जनता दल के संगठन को मजबूत करने में तन मन धन से सारे लोग लग जाएंगे, और लगे हुए भी हैं। ऐसा नहीं है, पार्टी का संगठन जरूर भंग है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता शिथिल नहीं हुए हैं। आप देख रहे हैं कि आज 14 जनवरी है, इसके उपलक्ष में सारे लोगों को हम लोगों ने इन्वाइट किया यहाँ, और माहौल आप देख रहे हैं। मनोज जी, आप मानेंगे ना कि पार्टी की कमजोरी कहें या प्रभाव की कमी कहें, कि 20-15 सूत्री कमेटियों में आपको जगह नहीं मिलता है और पार्टी की तरफ से आह तक नहीं निकल पाता? ना, निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर मामला है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य के साथ, जिस लक्ष्य के साथ हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने महागठबंधन का गठन किया, उस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, और राष्ट्रीय जनता दल को अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ये मनोज जी, एक आखिरी सवाल, ये माना जाए कि आज का शुभ दिन है, शुभ उपलक्ष्य है, आज जब मीठा तिलकुट वगैरह आप लोगों ने खाया है, उसको सेवन किया है, तो आज के बाद पार्टी नेताओं में कुछ मिठास पैदा होगी, जो कड़वाहट है वो दूर होगी और पार्टी फिर अपने पुराने रंग रूप में, अपने तेवर में आएगी? नहीं, पार्टी में कोई कड़वाहट नहीं है, एकदम मिठास ही मिठास है। और अब शुभ दिन आया है, कल से हम लोग लगेंगे, और उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव बहुत जल्द ही यहाँ कमेटी की घोषणा, प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करेंगे, और पुराने तेवर के साथ सभी नेता और कार्यकर्ता झारखंड के धरती में दौड़ेंगे और चलेंगे और लालटेन को, लौ को जलाने में प्रयास करेंगे। आपको बता देंगे, पिछले 24 नवंबर को पार्टी की प्रदेश कमेटी को भंग किया गया, उसके बाद से प्रदेश कमेटी अब तक अस्तित्व में नहीं आई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज तिल संक्रांत के दिन है, मकर संक्रांति का दिन है, शुभ दिन है, शुभ उपलक्ष्य है, लोगों ने मीठे का सेवन किया है, लिहाजा पार्टी के नेताओं के बीच भी मिठास का प्रचार प्रसार होगा और पार्टी में जो कथित तौर पर कड़वाहट की बात कही जाती है वो दूर होगी और पार्टी अपने पुराने तेवर और कलेवर के साथ फिर अपने साथ अपने रूप में काम करने की कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।